Hello everyone, I am Ayush Pathak and you are watching Law Putra YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic of quasi contract, what is a quasi contract and which sections of the Indian Contract Act deals with the quasi contract. Basically, a constructive contract is also known as quasi contract. Yes, a contract which is being constructed is a quasi contract. Basically, this contract is constructed in the court of law, right? Or you can say that this contract is enforced by a court. It is based on a principle of unjust enrichment of a person at the cost of another. इसका मतलब एक व्यक्ति के नुकसान पे दूसरे व्यक्ति का फायदा नहीं होना चाहिए. Now let's see the sections which deals with the quasi contract. जी हाँ, section 68 से section 72 तक quasi contract deal करता है. Section 68 says that basic necessary elements provided to a person which is incompetent to enter into a contract. It means, इसको हम एक example के जरिए समझते हैं. जैसे कि मैं एक मेजर हूँ, एक मैनर को प्रोवाइड करवा रहा हूँ. मीन्स जो मैनर ऑब्वियसली अ मैनर इज इनकॉम्पिटेंट टू इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट. वो मैनर घर छोड़ दिया है और मैं उसको मेंटेन करने के लिए मैं भी जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं उस मैनर पे अप्लाई कर रहा हूँ. मीन्स उसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ. तो इसमें मेरे जितने भी एक्सपेंसेस है, ऑब्वियसली यहाँ पर तो मेरा तो नुकसान हो रहा है. मैं मैनर को प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपेंसेस कहाँ से रिकवर करूँगा? तो ऑब्वियसली आई विल गो टू अ कोर्ट. तो कोर्ट कहेगा कि कोर्ट एक बाउंडेशन स्टेट पे डाल देगा कि ये व्यक्ति जो भी मैनर को प्रोवाइड करवा रहा है उसका जितना भी रिकवरी होगा, जितने भी अमाउंट वो मैनर पे स्पेंड किया है वो स्टेट के जरिए रिकवर कर सकता. सो दिस इज दिस हियर द कोर्ट मेड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड स्टेट, राइट? सो लेट्स सी सेक्शन 69, पेमेंट मेड बाय अ इंटरेस्टेड पार्टी और अ पर्सन. इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि मैं एक लैंड ओन करता हूँ, उसमें उस लैंड पे किसी ने मींस मैंने लैंड को लीज पे दिया हुआ है और उस लैंड पे एक फैक्ट्री चल रही है जो कि कपड़े बनाने की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का जो ओनर है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक न्यूज़ में आर्टिकल छपवाती है कि इस फैक्ट्री का ऑक्शन होगा ताकि गवर्नमेंट सारे टैक्सेस रिकवर कर सके उस ऑक्शन के जरिए. अब यहाँ पर तो ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेरा इनकम का जरिए इसका रेवेन्यू होता है जो कि फैक्ट्री ऑनर से मिलता है मुझको. मैं क्या करता हूँ कि मैं जाके जितने भी टैक्सेस है मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ और मैं ये मैटर को कोर्ट पर लेके जाता हूँ. तो कोर्ट कहती है कि आज जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं आप फैक्ट्री ओनर से रिकवर कर सकते हैं. तो यहाँ पर मेरे और फैक्ट्री ओनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गई. तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कोसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. जैसा कि इसमें तो मेरा तो नुकसान होता ना अगर मैं गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस पे कर देता और मेरे पास कुछ नहीं आता. सो सीइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली कोर्ट सेड दैट कि आई कैन रिकवर माई ऑल द अमाउंट फ्रॉम द फैक्ट्री ओनर, राइट? नाउ लेट्स सी सेक्शन 70, पेमेंट मेड फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, राइट? अब एक होता है ग्रेचुअस एक्ट, एक होता है नॉन ग्रेचुअस एक्ट. अब ग्रेचुअस एक्ट में होता है फॉर फ्री, मीन्स वॉलेंटियरली. अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है मैं उसको बचाने जा रहा हूँ स्विमिंग पूल पे, तो उसकी वो मैं खुद से कर रहा हूँ, उसके लिए तो मेरे को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा. अब आते हैं नॉन ग्रेजुएस एक्ट पे. एज लाइक कि मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें किसी ने रॉ मटेरियल गलती से मेरे फैक्ट्री में पहुंचा दिया. अब वो फैक्ट्री जो रॉ मटेरियल्स उसने पहुंचाया मेरी फैक्ट्री पे, अब वो रॉ मटेरियल्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने फैक्ट्री में. अब वो व्यक्ति आता है मेरे पास और बोलता है कि भैया मैंने आपको गलती से सामान दे दी और आप मेरा सामान लौटाइए. तो मैं क्या बोलूँगा, भैया मैंने तो यूज़ कर लिया ये सारे सामान. अब
वो बोला कि पेमेंट दीजिए आप सामान यूज़ किए उसका। तो मैं बोलूँगा भैया हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, हम क्यों पेमेंट करें आपको। तो वो जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कहेगा इसमें? कोर्ट यही कहेगा कि आपने इसका सामान यूज़ किया, अब आप लाइबल हो, इसके जितने भी एक्सपेंसेस हुए उस सामान को खरीदने में आप उसको पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर मेरा और उस व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं उसके जितने भी नुकसान हुए हैं या तो जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं मैं लायबल हूँ उसको पेमेंट करने के लिए। तो ये हमारा सेक्शन 70 कहता है। अब सेक्शन 71 क्या कहता है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मेरी एक डायमंड की रिंग है जो कि खो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को, मान के चलो श्याम को मिलता है वो रिंग। अब श्याम हमको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन श्याम को हम नहीं मिले, तो वो डायमंड रिंग बेच देता। और बहुत दिनों के बाद मुझे पता चलता है कि श्याम के पास वो रिंग है। तो मैं श्याम के पास जाता हूँ और बोलता हूँ भाई तेरे पास वो रिंग है मेरा, दे दे। तो श्याम बोलता है यार वो तो रिंग तो मैंने बेच दी, मैंने तुमको बहुत खोजने की कोशिश की तुम नहीं मिले, तो वो रिंग मैंने बेच दी, उसके बदले मैंने एक कार ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम तो मेरा तो लॉस हो रहा है। अब मैं कोर्ट में जाऊँगा, बताऊँगा कोर्ट को कि सर इस व्यक्ति ने, श्याम ने मेरे रिंग को बेच के एक कार ले ली। अब तो कोर्ट यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, कोर्ट यहाँ पर श्याम के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देगा कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मीन्स इसकी जो रिंग की जितनी भी कीमत है वो अब तुम दोगे। अब श्याम यहाँ कहता है सर मैंने तो उसको 1 साल ढूंढने की कोशिश की, उसके लिए मेरे को कुछ एक्सपेंसेस लगे इसको ढूंढने में, उसको कौन बियर करेगा? तो ऑब्वियसली कोर्ट कहेगा कि हाँ आप उस अमाउंट से अपने एक्सपेंसेस काट के आप इसको रिपेमेंट करो, आई मीन टू से हमको रिपेमेंट कर दो। सो ये हो गया हमारा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब आता है आपका सेक्शन 72, एक्स्ट्रा पेमेंट मेड, मतलब कि गलती से एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कोई दोस्त से उधार लिया, ठीक है, और उधार लिया 2 लाख रुपया, मान के चलो उधार लिया, मैंने गलती से उसको 3 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया। अब जो बचा कि अब मैं बोला, मैं अपने दोस्त को बोला भाई यार गलती से 1 लाख का हो गया, अब वो देने के लिए तैयार नहीं है, 1 लाख ज़्यादा मैंने दे दिया तो वो देने के लिए तैयार, मैं क्या करूँगा? मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, मैं साहब ऐसा ऐसा बात है कि इसका 2 लाख बनता था, मैंने इसको 3 लाख रुपये दे दिए। तो कोर्ट क्या कहेगा कि वो मेरे दोस्त को बोलेगा कि इसके जितने भी एक्स्ट्रा पेमेंट इन्होंने दिया है उसको आप रिफंड करो। तो ये होता है, मीन्स इसमें क्या होगा कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भैया जितने भी इसके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है आप इसको रीपे कर दो। तो ये हो गया हमारे, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश। तो सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डील करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब आता है, अब ये सारी चीज़ों को लेकर के अब मेरे को लगता है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस माइंड में वो क्लियर हो गया। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपके सारे कमेंट्स को, मीन्स सारे क्वेरीज को दूर करूंगा। थैंक यू।